फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। फाइनली तो यार बहुत 3 दिन ट्रैफिक जाम में फंस के, लैंडस्लाइड्स, ट्रैफिक जाम्स, हैवी स्नोफॉल, टायर भी स्लिप किए कार के। तो यार पूरी विंटर राइड होगी इस बार तो। एंड ले में भी टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम थोड़ी सी धूप निकली है, सुबह 5 बजे उठा था पहले, तो उस टाइम 4 डिग्री सेल्सियस था। बहुत टायर्ड है यार, सब टायर्ड। बस अभी उठे हैं आज, होपफुली थोड़ी सी सब रेस्ट करने लगे हुए हैं, सब ठीक हो जाएंगे। कुनाल इज़ ऑल्सो वेल। बस आज लोकल थोड़ा करेंगे, वी आर प्लानिंग फॉर शांति स्तूप, ले फोर्ट एंड मार्केट। ऑब्वियस है मार्केट यहाँ की बहुत अमेजिंग है यार, ऐसी मॉल रोड इस टाइम आई थिंक किसी भी स्टेशन का नहीं है। बाकी यार ये आप पीछे देखो, दिखाता हूँ आपको, ये आपको ले की हर चौराहे पे या गली में कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। बेसिकली वही तो मैं गुड विशेस, ये मंत्र है इनका कोई, इसको रोटेट करो तो कहते हैं इट विल वर्क, इट गिव यू गुड एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। सो बस अभी ले की गलियों में खड़ा हूँ। यहाँ कुछ ऐसी गलियाँ हैं यहाँ की, हरियाली हो गई है पर ले में। बस नाउ गोइंग टू वॉक पे आया था मैं, नाउ गोइंग बैक टू होटल। टाइम हुआ है 7:40। सबको उठाता हूँ जाके, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अराउंड आई थिंक 11-12 तो बज ही जाएंगे यार निकलते निकलते। सभी टायर्ड है तो किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा वरना सब गालियाँ देंगे। तो अभी के लिए इतना, बाकी इसके बाद हम देखते हैं कैसा रहता है आज का प्लान, कहाँ पर ले जाना है। शायद को मना भी ना कर दे तो भैया आज नहीं जाना, सारा दिन रेस्ट ही करनी है। तो अभी का यही प्लान है। बाकी जो ये जो मंत्र घूमता है इसका आपको एक शॉट दिखाता हूँ, देखिए। तो यार बस अब सीधा यहीं मिल रहा हूँ आपको। ब्रेकफास्ट हो गया है, एवरीवन इज़ रेडी, कुनाल भी रेडी, अमित भी रेडी है, महिमा इज़ आल्सो रेडी। बाकी होटल अच्छा है यार हमारा, अभी होटल का आपको टूर मैंने दिया नहीं है तो ये होपफुली आपको कल सुबह दूंगा। टाइम ही नहीं लगा यार, वो सारा हौच पौसा हो गया पिछले 3 दिनों में। तो बस अब हम निकल रहे हैं यार, यहाँ एक वॉर मेमोरियल है बहुत अच्छा, पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा टाइमिंग्स का इशू रहता है। आफ्टर दैट शांति स्तूप, देन ले फोर्ट, बाकी देखते हैं। होटल का हमारा नाम है रिजेंगला, हम इसका 2800 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। आई नो यू विल, इट विल साउंड बिट एक्सपेंसिव बट इट इज़ नॉट अ बजट ट्रिप। तो वैसे भी होटल्स की थोड़ी स्केर्सिटी है बिकॉज ऑफ दैट, क्या कहते हैं, टूरिज्म शुरू हो गया अभी यहाँ पे। तो बस अभी का यही है। एंड खाना इज़ गुड बट थोड़ी सर्विस स्लो है इनकी, एक्चुअली बिल्कुल न्यू होटल है और थोड़ा टाइम तो लगता ही अपनी सर्विस ठीक करने में। तो बस अभी तो यही प्लान है यार। एंड ये हमारा रूम ही है, या वी आर लीविंग, ये लॉक लगा दो। ये है मिलाप भैया, ये यहाँ के केयर टेकर हैं। खाना इनका बहुत अच्छा है, सर्विस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको कर लो ठीक है। अंकल कहाँ गए? अंकल अंदर है, रेस्ट कर रहे हैं, मिलते हैं। बाकी अब लोकलाइट यहाँ के ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, अभी विंटर ही चल रही है, मतलब प्रॉपर समर आई नहीं है। जो ये रोड है इधर नहीं जाना हमने, ये सामने जाएगी पेंगोंग की तरफ, जिधर वो थैंक यू लिखा हुआ है, मैं बोर्ड दिखाता हूँ, उस तरफ जाना हमें जी। ओके, ये रोड यार सीधी श्रीनगर और हमें वॉर मेमोरियल, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब एंड मूनलैंड तो है रास्ते में आता, कारगिल, द्रास, सब कुछ ये सामने वाली रोड पे जहाँ ये टवेरा जा रही है। एंड मैग्नेटिक हिल भी इस पे ही है। आगे आपकी जो वो संगम होता है इंदस रिवर का, वो भी यहाँ पे है, नियामू कहते हैं जैसे, वहाँ आप जा सकते हैं। चादर ट्रैक वहीं से शुरू होता है बट वो इस साल मेरा कैंसिल हो गया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, अनवांटेड सर्कमस्टांसेस। ये है यार सामने ब्यूटी देखो आप। वॉर्म
मेमोरियल सामने आ गया। पहले यार अपना कार का इनर व्यू दिखाने का फ़ायदा नहीं था कोई, क्योंकि बाहर बहुत कुछ देखने के लिए था। मुझे तो आप जब मर्जी देख लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो यार हम पहुंच गए हैं ये पार्किंग एरिया। बाकी आपको यहाँ की टैक्सीज के बारे में, यहाँ की बाइक्स क्या कैसे आप रेंट कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी आप लेके आ सकते हैं, तो वो आपको बताऊंगा। वरना यहाँ पे टैक्सी यूनियन, टैक्सी माफिया है यहाँ पे, थोड़ा सा वो इश्यूज रहते हैं। माफिया नहीं कहूँगा यार, अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं, पर कई बार ज़्यादा बदमाशी कर जाते हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर। बस यही था। अब हम इस मेमोरियल से निकल के, नाउ आई एम लीविंग फॉर दैट सुवेनियर शॉप, जा रहे हैं ना हम। आपका नाम? सुभाष चंद्र गुर्जर। सुभाष चंद्र सर, कहाँ से हो? मैं राजस्थान। राजस्थान कौन से शहर से? सीकर नीम का थाना। सीकर, ये साला सर जी के पास से? हाँ बिल्कुल। और बाकी अच्छा लगा यार यहाँ पे, पैसे पट लिए काफ़ी सारे, तो उसके बाद भी होता खुशी मिल गई। इफ़ यू पर अडल्ट इंडियन 100 रुपीज़ एक बंदे का लगेगा अंदर जाने का, 100 रुपीज़ वीडियो कैमरा एंड 20 रुपीज़ टू अ स्टिल कैमरा और मोबाइल, ये इनके चार्जेस हैं। एंड फॉर फॉरनर्स 200 रुपीज़ टू अ पर्सन, अदर्स आर इक्वल, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा एंड मोबाइल आर सेम। सो दिस इज़ द स्टोरी, नाउ वी विल चेक आउट फ्रॉम हेयर, लेट्स सी वेयर वी गोइंग नाउ। तो यार नाउ हम वी आर गोइंग टू पैगन गार्डन, तार गैल्सनिंग एंड पैथा विलेज। ये थोड़ा बस ऊपर चढ़ के है एंड वॉर मेमोरियल से देखा ला हार्डली 1.5 किलोमीटर इतना की होगा। यहाँ पे काली माता मंदिर है प्लस मोनेस्ट्री है। ये चीज़ें आपके मतलब मन के अकॉर्डिंग है, यू वॉन्ट टू गो देयर, मतलब जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, सर सकता है, क्योंकि सारी मोनेस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू मी सेम सी हैं, एक दो को छोड़ दें। एंड पर्सनली मुझे सबसे अच्छी की मोनेस्ट्री लगती है काजा में, तो वो तो उसकी तो बात ही क्या है। गंकार भी अच्छी है। ये हमारे मोंग पाजी जा रहे हैं, सत श्री अकाल जी। यार अच्छी होती है मोनेस्ट्रीज, पर सारी मोनेस्ट्री देखने लग जाए तो रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। वॉच ईच एंड टू वॉच ईच एंड एवरी मोनेस्ट्री, इट्स अ टफ टास्क, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज़ अप टू यू। ऊपर जाके मिलता हूँ आपको मैं। तो यार काफ़ी सांस चढ़ गया, काफ़ी हाइट पे है, हम उसे स्लो नहीं स्टेयर्स चढ़ी जाती, तो तेज़ चलने की वजह से काफ़ी सांस चढ़ गया। ये पीछे देखो यार आप, सारा ग्रीन, लुक लुक ऑलमोस्ट सारा आपको लद्दाख
लेह का सारा भी मिल जाता है, लद्दाख तो बहुत बड़ा। खैर कंप्लीट इस तरफ का एयरपोर्ट साइड का, बाकी अच्छा ज़्यादा बेटर व्यू शांति स्तूप से मिलता है आपको और लेह पैलेस से। इनसाइड फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये देख लीजिए। We are leaving from now this monastery. और इसके बाद अब देखते हैं शांति स्तूप जाना है। और ये लंच लंच का तो किसी का मूड है नहीं। And they are getting mad over and over now. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh my God. बस यो, we are leaving. ये आदि के जंगल लग रहा है। फिर अब हम मिलते हैं इसी जगह गाड़ी में। तो यार finally we are leaving from monastery. Now we are leaving for शांति स्तूप और लेह पैलेस। देखते हैं यार कहाँ जाते हैं, तो सीधा वहीं मिलते हैं, सी यू देन। तो यार अब हम शांति स्तूप में एंटर कर रहे हैं, ये उसका एंट्री गेट है। चलो तो यहाँ भी काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको दिखाता हूँ फर्स्ट व्यू शांति स्तूप का, वो देखिए। अपने अमित पाजी कुणाल, अमित पाजी तो मैसमराइज हो रहे हैं, कहते मुझे गंजा करके मॉन्क बना दो, बनेंगे नहीं पर ये बातें हैं। बस यार बाकी आपको दिखाते हैं, अब हम अबाउट टू एंटर शांति स्तूप। ओ गॉड तेज हो गई यार, ये हो क्या रहा है हमारा यार, ये स्नोफॉल। अरे बस स्नोफॉल क्या फील तो ऑसम, ये तो यार यहां पे भी हिल स्टॉर्म शुरू हो गया, बर्फ हमारा रास्ता नहीं चल रहा, सब का मरना शुरू हो गया। ये तो वो हो गया, इधर आ तू, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। स्नोफॉल है ये, बारिश नहीं है। देखो यार ये ये तो हेल स्टॉर्म शुरू हो गई है यार, कुछ भी ठीक नहीं, मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि डी एस एल आर वाटर प्रूफ नहीं होते। ये पीछे का व्यू यार सारा लुक एट इट, पर इस बार इंद्र देवता कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, सारा चार दिन हो गए जी यही देख रहे हैं। फ्रेंड्स यार वी आर लिविंग फ्रॉम शांति स्तूप, काफ़ी हद तक कवर कर लिया, काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, बट थोड़ा सा रह गया बिकॉज ऊपर जो हवा चल रही थी ना, मतलब आई थिंक इट वाज अराउंड 40-50 miles per hour, मतलब ऐसा था कहीं कैमरा ना गिर जाए, मोबाइल ना गिर जाए, इवन मुझे ही पुश लग रहा था। अगर कहते ना 75-80 kilo के बंदे को पुश लग रहा है तो फिर कैमरे की तो हैसियत थी क्या। तो नाउ वी आर लिविंग फॉर अ होटल, वैसे हमने लेह पैलेस जाना था बट लेह पैलेस शांति स्तूप से भी ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ भी फिर वो फुटेज का इशू रहेगा,
So now we are going to hotel, we'll take a cup of tea. After that, we'll try to go to Leh Palace. अगर मौसम ठीक हो जाता है, अगर ठीक नहीं हुआ then we'll go there tomorrow. It will be fine. And with God grace, Kunal is feeling good because lunch, bon appetite maybe. No. Not bon appetite. Today we will go to Summer Harvest. Today I will show you Summer Harvest. जो लोग मोमोज के शौकीन हैं, amazing, जबरदस्त. हमारे पाजी कल से मोमोज के वेट कर रहे हैं. तो आज इन्हें खिलाने ही खिलाने हैं. तो मैंने कल ही सोच लिया था मैं इनको मोमोज खिलाने हैं. एंड वी हैव टू गो स्ट्रेट. तो ठीक है फ्रेंड्स, अब सीधा हम मिलेंगे या तो ले पैलेस या हम मिलेंगे समर हार्वेस्ट. मैं आपको दिखाता हूँ. टिल देन बाय. तो यार वी आर लीविंग फॉर द मार्केट नाउ. दो तीन घंटे की रेस्ट की, दो घंटे नहीं आई थिंक डेढ़ घंटा रेस्ट किया. तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी. मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था मौसम. म्यूज़िक डाउन कर दो जी. तो हाइट हवा चलने की वजह से ना सब थोड़ी थकावट ज़्यादा होगी वहाँ पर और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी. बस अभी हम वी आर लीविंग फॉर मार्केट. लंच करेंगे पहले. तो भाई ठीक है साहब जी? मोर देन वेल. बस अभी गाड़ी लेके निकल रहे हैं यार. पहले वॉक करके जाना था तो सोचा कहीं आया मैं भी. कुणाल कल ही ठीक हुआ, ज़्यादा ना काम ख़राब हो जाए. तो बस अब मार्केट जाएंगे, आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ. व्हाट अ गुड वी आर गोइंग टू हैव. अच्छा रेस्टोरेंट है, ट्राइड एंड टेस्टेड. वी आर राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट. और ये फोर्ट रोड है, एक लोअर टुचका रोड है, एक अपर टुचका रोड है. यहाँ पे सारे होटल्स ही हैं, बजट नॉन बजट, महंगे सस्ते सब यहीं पर हैं. बाकी आउटस्कर्ट्स जो अगर फाइव स्टार फोर स्टार प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं वो आपको आउटस्कर्ट्स पर मिलेगी. एंड रूम्स हमारे अच्छे हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं. तो बस ये रोड है, ये लेह की गलियां देख लो आप. मैं दिखाता हूँ आपको लेफ्ट हैंड साइड, ये होटल्स हैं सारे. तो यार आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ द मार्केट ऑफ लेह. अभी दिन है, उतना मज़ा नहीं आएगा. रात को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे. यार दिस इज समर हार्वेस्ट. काफ़ी ज़्यादा फेमस. मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से. और बहुत छोटे से काम से शुरू किया था इन्होंने. एंड फूड वॉज अमेजिंग. वी हैड मटन मोमोज, चिकन मोमोज, जिंजर हनी लेमन टी एंड द बिल वॉज अराउंड 1000. इट इज़ बिट एक्सपेंसिव बट इट वर्थ एवरी पेनी. पाजी कैसा लगा? गुड वन. डिलीशियस. आपको अच्छा लगा? पर अच्छा कौन से मोमोज अच्छे लगे आप सबको? चिकन मोमोज पाजी. आई लाइक मटन, आई पर्सन लाइक मटन. तो महिमा और कुणाल को चिकन मोमोज. We both like mutton momos. मौसम फिर बिगड़ रहा है यार. जब हम निकलते हैं ना मेरे को नहीं, मैंने बता दिया था अंदर ही. यही है यार यहाँ का. अब थोड़ी सी मार्केट दिखाता हूँ आपको. यहाँ टी शर्ट्स आप एम्ब्रॉयड करा सकते हैं. पर heaven for girls. Accessories, bags, especially silver jewelry. Mama, silver jewelry best hai yahan ki? Ha na? Stones also. Stone wali jewelry also. Very colorful. So for girls, Ladakh market is very good. Yeah. I would highly recommend them. Ki aap zarur yahan aaiye. Baki mere better half ki to yahan friend bhi hai ek. Usne shopping kar usko mana liya. Pata liya sorry. वो इसको अच्छा डिस्काउंट भी देती है. बाकी आई विल आस्क हर, भाई हमारा रेफरेंस देके आओगे तो शायद शी विल गिव यू सम डिस्काउंट. नहीं, ये सारी मार्केट है,
सामने आप ऊपर देखेंगे वहाँ पे वो ले पैलेस। क्या हाल है आपके? कैसे हो? आप अपनी शॉप पे क्यों नहीं बैठते? ये कभी अपनी शॉप पे नहीं बैठते। सारे आए हैं। कैसे हो? ठीक। ये हमारे न्यू It is not elephant tooth. Yeah, what is it? It's a lion tooth. Lion tooth. Oh, what is a lion tooth? Yeah, yeah, this one. Hear this one. Humming sound. You call it humming sound, no? No. Singing bowl. Singing bowl भी कहते हैं कुछ लोग sound of seven elements भी बोलते हैं. That's great. इसका healing bowl. ये I think machine made है. Machine made. Handmade जो होता है वो इतना loud नहीं होता. पर अगर आप ये ले लेंगे और ये सीख गए तो आपकी काफी बीमारियां दूर हो सकती हैं। केरल में सिरिंग जाते हैं। Now Amit will, Paji will try. Can you tell me how to do it? ये साउंड तो यार आपको व्लॉग में भी कर रही होगी। इट इज पर्पसली फॉर मेडिटेशन। यार अभी का सीन ऐसा है, मेहर पाजी तो निकल आए हैं, गुनाल और महिमा शॉपिंग करने लगे हुए हैं। तो पाजी क्या क्या लिया आपने? I could just bought some key rings, the flags. Okay. Hanging cards. So you like the shop? Yeah, very much. She is nice. Very nice. बाकी आपको अभी मार्केट दिखाता हूँ यार, मार्केट कैसी है यहाँ की।